हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी शादी किन से होने वाली। चलिए आइए शुरू करते हैं। गॉड्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, दी एम्परर, दी एम्प्रेस एंड यहाँ पे है नाइन ऑफ कप। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, लियोज जिनसे भी आपकी शादी हो रही है वो आपके एकदम अपोजिट होंगे। लाइक कह सकते हैं, जैसे आप बहुत दिल से सोचते हो तो वो दिमाग से सोचने वाले होंगे, और अगर आप बहुत दिमाग से सोचते हो तो वो बहुत दिल से सोचने वाले होंगे। ठीक है, एकदम अपोजिट कनेक्शन। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, आप डिवाइन फेमिनाइन है तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन होंगे, और अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन देख रहे हैं तो वो डिवाइन फेमिनाइन है आपकी। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, वो हार्डवर्क पे बहुत विश्वास करती है और वो खुद पे बहुत विश्वास करते हैं। आपके पार्टनर अपने आप पे बहुत विश्वास करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होते किसी पे, और उनको करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं काफ़ी यहाँ पर, एंड इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे वो आप एक्स्ट्रोवर्ट हो आपके अपोजिट, वो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करना नहीं पसंद है, ठीक है, एंड एक बाउंड्रीज मेंटेन करके वो अपना रखते हैं यहाँ पे। लाइफ को लेके वो कह सकते हैं कि वो दूसरों की बहुत सुनते हैं और अपनी कम सुनते हैं। जैसे कि लियोस की आदत है कि वो अपने मन की करना, अपना करना, लेकिन वो जो होंगे ना वो एक्चुअली दूसरों की ज़्यादा सुनते होंगे। कि कोई उनसे कहेगा ये कर दो वो कर दो तो वो मान जाते हो, बहुत जल्दी कह सकते हैं मान लेने वालों में से होंगे। ठीक है, अपना दिमाग कह सकते कम यूज़ करना करें वो अपना, इस वजह से ना वो लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते और जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पा रहे अभी। और यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे में से उनका बेस्ट वर्जन निकालने में मदद करोगे। एक सोलमेट कनेक्शन है आपका, एंड मेड फॉर ईच अदर वाला कनेक्शन है। एक बहुत जो दिमाग से सोचता है और एक बहुत जो दिल से सोचती है, वैसा कोई यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर लियोज में अगर आप द एम्परर की जगह पर हो, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड एंड आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद है कि इंटेलिजेंट बहुत हो, तो हर चीज़ में आपको दिमाग लगाना, लॉजिकल बहुत हो, तो आपकी जो फेमिनाइन होने वाली है तो यहाँ पे वो बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं। और एक कह सकते हैं, देखो अगर लियो को देखो तो एक वो मैस्कुलाइन कह सकते हैं जोडियक है, तो आपकी कोई पार्टनर ऐसी हो सकती है जो जो कह सकते कि फेमिनाइन जोडियक वाली हो। ठीक है, और ये भी बहुत मतलब आप दोनों एकदम अपोजिट हर चीज़ में देख लो। अगर आप जैसे हो ना, समझ लो आपके अपोजिट होंगी वो पर्सन जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी क्रिएटिव भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं यहाँ पे, इमोशनल हो सकते हैं यहाँ पर। हम और भी कार्ड से देखना चाहेंगे एंड बॉटम देखें, नाइट ऑफ कप्स, आपसे बहुत प्यार करने वाले होंगे। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि नहीं मेरा पार्टनर मुझसे प्यार ही नहीं करता, ऐसा नहीं है, आपसे प्यार करने वाले होंगे। बस थोड़ा सा क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बन जाए, क्योंकि आप दोनों अलग होगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बन जाएगी, तो बाकी सब अच्छा है। वो भी प्यार करते होंगे आपसे, बट वही है कि आप थोड़ा सा मतलब समझो, आप करते हो अच्छी बात है, वो भी करते हैं अच्छी बात है, बट वो अंडरस्टैंडिंग समझो कि वो करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए, उनके बारे में जानते हैं हम। हाँ, अगर हम उनके राशि के बारे में बात कर लिया जाए, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई है स्ट्रॉन्ग, एंड यहाँ पे कह सकते हैं एरीज लिब्रा सजिटेरियस भी है। ठीक है, आइए देखते हैं फिलहाल उनके बारे में और कैसे होंगे आपके पार्टनर। ओके, वर्गो, वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, उनके लिए उनका काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके लिए जो अपने हैं वो उनके साथ वो खड़े होंगे। मतलब अगर उनके बहुत करीबी हैं, देखो जैसे कि अगर आप सोचो कि देखो जिनसे प्यार करते हैं वर्गो ऐसे होते हैं जो वो जिनसे प्यार करते हैं उनको पेन में कभी नहीं दे सकते, और वो उनके लिए खड़े होंगे हमेशा। ठीक है, और अच्छे से बात, प्यार से बात करने वाले होंगे बहुत, लेकिन अगर जब उनको गुस्सा आया तो गुस्सा आया। ठीक है,
बहुत जल्दी नहीं आएगा, बट आया तो आया। अब उस चीज़ को समझो, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल नहीं होंगे, लेकिन ये है कि उनके खुद के मॉरल वैल्यूज़ होंगे जिनको वो फॉलो करते होंगे। एंड ये भी दिख रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा कह सकते स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में, पढ़ाई वगैरह में हो सकते हैं, ठीक है। बुक्स रीड करने का बहुत शौक हो सकता है, और इनके जो जीवन में वो कह सकते हैं ना, जो देखो सिर्फ वर्गों की बात नहीं करी मैं, सिंपल एक बता रही हूँ कि ऐसे हो सकते हैं। आपके पार्टनर में ये गुण हो सकता है, कोई भी हो, कोई भी जोड़िया के हो सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल वर्गो आ गया, तो हमने उनके बारे में बात की, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनके में तरक्की रहेगी, लेकिन थोड़े समय के बाद देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अच्छी अच्छी से होगी, बट अभी अभी वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि कछुए की चाल चल सकते हैं, करियर वाइज मैं बात कर रही हूँ। फिर बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होगी और वो आगे तक जाएंगे बहुत, ये मुझे फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहा है। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है इनके बारे में, मतलब और क्या बताते हैं कार्ड्स। ओह माय गॉड, यहाँ दो कार्ड आए हैं, डिवाइन फेमिनाइन एंड यिन एंड यांग। ओके, तो ये तो कंफर्म है, देखो ये तो कंफर्म है कि लियोज एक मैस्कुलाइन इन वो का वो है, कह सकते हैं मैस्कुलाइन है उनकी जोडियक, तो कोई फेमिनाइन जोडियक से आपकी मैरिज होने की चांसेस, और वर्गो को भी एक फेमिनाइन जोडियक, इन्हें कन्या राशि कहा जाता है, ठीक है। फिलहाल ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे कोई ऐसी है पार्टनर, अगर देखो फीमेल्स अगर आप देख रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपकी पार्टनर आपकी आपके अलग होने की वजह से और आपका खुद की कॉन्फिडेंस होने की वजह से आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव वो फील करेंगे। एंड मेल्स अगर आप देख रहे हो, तो मुझे यहाँ पे आपके लाइफ पे डिवाइन फेमिनाइन जो खुद कॉन्फिडेंट हैं और को जो खुद पे बहुत विश्वास रखती हैं और अपना ध्यान रखती हैं, उनके मतलब वो आपकी लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पर उनको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होगा, वो उनकी लिसनिंग स्किल अच्छी होगी, और आप बोलना बहुत अच्छा पसंद कर सकते हो ज़्यादा। यहाँ पे दिख रहा है यिन एंड यांग, आप दोनों अलग हो जैसे कि मैंने कहा, एक एक ऐसे और एक ऐसे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। कंप्लीट मतलब आप दोनों के साथ में हो तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो आपको आता है वो उनको नहीं आता है, जो उनको आता है वो आपको नहीं आता, तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। यहाँ पे तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम अगर आप बनोगे तो सबसे अच्छा होगा, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बाकी हम और भी कार्ड्स देखना चाहेंगे आपके लिए। डोर टू स्पिरिट, ओके ओके। एक्चुअली मुझे यहाँ पे सबसे पहले डोर टू स्पिरिट ये दिखा रहा है कि पर्सन आपके लिए बना है, और ये जोड़ी कह सकते हैं ईश्वर ने, और रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी आ गया, ये खुद ब खुद आया एक कार्ड, ठीक है। मैं इतना कहूँगी इस रिश्ते में एक चीज़, एक बात ये रहेगी, आप जिसको जितना इसको काम होके हैंडल करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे अलग हो, आपके थिंकिंग जो एबिलिटीज़ हैं उनकी, आपकी सोच में, आपके थॉट्स में बहुत अंतर होगा दोनों के। एंड अगर आप इनको काम होकर कामली एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो आप लोग की बहुत आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। लेकिन डोर टू स्पिरिट दिखा रहा है कि मेड फॉर ईच अदर हो, ठीक है। लड़ोगे झगड़ोगे वहीं पर, ठीक है, सुधरोगे, लेसन्स लोगे, ठीक। तो ये यही यही जिंदगी है आपकी, मतलब आप लड़ोगे भी झगड़ोगे भी, लेसन्स भी लोगे, वापस से एक हो जाओगे, तो ये साइकिल आपकी चलती रहेगी एंड आप लोग ऐसे ही सीखोगे। बट यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी समझदारी अगर दिखाई आपने या उन्होंने, थोड़ा सा अगर आपके अंदर वो रहेगा पावर, उनके अंदर भी अगर आप दोनों एक दूसरे समझने की कोशिश करोगे तो रिश्ता बहुत अच्छा, क्योंकि आप दोनों अपने में ही बहुत ही अच्छे रहोगे, मतलब आप अपने में बहुत बेटर हो, वो अपने में बहुत बेटर है, आप दोनों में, अब दोनों बेटर बेटर मिल गए तो थोड़ा चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होती है, मैं सही मैं सही मैं सही मैं सही, और इस चक्कर में आप दोनों का थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है मामला। बट मैं यही कहूँगी कि
पीस क्रिएट करना, कोशिश करना अपने रिश्ते में पीस क्रिएट करने की यहाँ पर, एंड थोड़ा काम होकर चीज़ों को हैंडल करोगे तो सब अच्छा है यहाँ पर। आइए देखते हैं उनका करियर। एक्शन लेने वालों में से होंगे, ये नहीं कि बस सोच रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, एक्शन लेने वालों में से होंगे, काम भी करेंगे। करियर के बारे में हम देख रहे हैं, करियर में देखो, करियर में अगर हम कहें सक्सेस है इनकी, लेकिन उतार चढ़ाव भी देखेंगे, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उतना फल यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शाइन ज़रूर करेंगे, मतलब अगर कोई, जिसे कहते हैं जो भी इंसान जैसे काम कर रहा है, तारीफ बहुत होगी इनकी कि ये बहुत अच्छे से करते हैं काम, लेकिन करियर में अप डाउन ज़रूर रहेगा। एंड ये है कि गिरेंगे तो फिर बचेंगे भी, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, ऐसा लग रहा है डिवाइन का हाथ है उनके ऊपर कहीं ना कहीं। एंड अगेन यहाँ पे लियो एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन है, लियो एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक मैस्कुलाइन है तो एक फेमिनाइन है। अब ये तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा है, मैं नहीं कहूँगी डायरेक्ट वर्गो, बट मैं कहूँगी ऐसा मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वाला चक्कर है यहाँ पे, बैलेंस वाला चक्कर है, यिन एंड यांग वाला है, सोलमेट वाला है, हो सोलमेट, ठीक है, लेकिन गड़बड़ हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इससे भी मैं डिनाई नहीं करती, आपको अपने रिश्ते को खुद संभालना पड़ेगा यहाँ पर। आइए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। कार्मिक, कार्मिक है पास लाइफ का, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रही हैं? पास लाइफ में भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ रहे हो, देखो बहुत लॉन्ग टर्म रिश्ता रहेगा आपका, और इसे लड़ते झगड़ते प्यार भी होगा, लड़ोगे भी झगड़ोगे भी सीखोगे भी, सब ये चलता रहेगा आप लोग का, रहोगे एक दूसरे के लिए, लेकिन झगड़ते झगड़ते सीखते सीखते इसको लेके जाओगे आगे तक। डिवाइन फेमिनाइन अगेन आपके लिए, तो डिवाइन फेमिनाइन दो बार आ गया भाई। हैप्पी एंडिंग, ओके। जेलसी, आपके पार्टनर बहुत जेलस रहने वाले हैं, या अगर मेल आप देख रहे हो तो आप बहुत जेलस रहने वाले हो, या मेन मैं अगर आपके पार्टनर के बारे में, तो आपके पार्टनर बहुत जेलस होंगे आपको किसी और के साथ देख के, वो नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ, बहुत जेलस रहने वाले हैं। आपके पार्टनर में केयरिंग साइड बहुत रहेगा, वो बहुत केयरिंग होंगे। डेटिंग, आप एक दूसरे को डेटिंग में भी शायद आप जानते भी हो उस पर्सन को, आप लोग डेट करोगे एक दूसरे को, आप एक दूसरे को डेट करोगे। बहुत बहुत मतलब आप दोनों, मैंने कहा ना आपके रिश्ते में ये रहेगा कि आप लोग सीखोगे बहुत, और हर बार जब इंसान सीखता है, और बड़े बड़े लेसन, मैं नहीं कहूँगी छोटे लेसन्स है, लेसन्स आप दोनों के लिए अच्छे खासे होंगे, तो जब हम लेसन लेते हैं ना लाइफ में, गिरते पड़ते संभलते, फिर हम जब लेसन लेते हैं तो एक कहीं से हम न्यू वर्जन हमारा बनता है, न्यू वर्जन। तो कहते हैं ना कि जिंदगी में तो मरते एक बार हैं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए, अगर उस, तो हम लोग बार बार मरते हैं, मतलब हम लोग जब भी, हमारा रीबर्थ, रीबर्थ क्यों बनाया गया, ये रीबर्थ यहाँ पे डेथ का क्या मतलब, ये तो नहीं कि मर ही जाएगी, यहाँ पे डेथ का मतलब है रीबर्थ, रीबर्थ का मतलब है आप खत्म होते हो और फिर आप न्यू बनते हो, आपका न्यू वर्जन, न्यू वर्जन। तो जब आप सीखते हो तभी तो आप न्यू बनते हो, तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि आप लोग काफ़ी बार ऐसा आपके साथ होगा कि आप लोग की, आप लोग लेसन्स लोगे। मैं डायरेक्ट वो नहीं कहूँगी कि लड़ाई होगी आपकी, लव कन्फेशन, ओ माय गॉड, मतलब प्यार होगा तो ऐसा तगड़ा वाला भी होगा। देखो मैंने ये कहा, लड़ाई तगड़ी वाली, प्यार भी तगड़ा रहेगा एकदम, लव कंपैशन। देखो प्यार है तो इजहार करोगे, ठीक है, अच्छे से करोगे यहाँ पे। मेमोरीज, फिलहाल तो ये मेमोरीज है यहाँ पे, इतनी प्यारी, क्या इतनी प्यारी फोटो, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे क्रिएट करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो अपने जिंदगी में उनके साथ। ये तो क्रिएट होगा आपके बीच में,
किस, ओके ओके, रिस्क टेकिंग, आपकी पर्सन बहुत रिस्क, मतलब आपके लिए वो रिस्क लेंगे जरूर, मतलब बहुत रिस्क, आपसे शादी करके तो वो रिस्क नहीं ले रहे कहीं, पर यह रिस्क टेकिंग है, ठीक है, आपके पार्टनर रिस्क टेकिंग रहेंगे, उनको रिस्क लेना पसंद होगा। फिलहाल आप चाहे, आप देखो कभी कभी होता है कि आप जब पार्टनर से मिलो तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे रहेंगे कि बच के निकलने वाले, संभल के चलने वाले, ऐसे होते हैं, बट शायद आपके साथ रहते रहते, जो कि आप लियो हो, ठीक है, आप डरते नहीं हो, कभी कभी डरते हो लेकिन रिस्क लेने में नहीं डरते, और आपके लिए जब उनको रिस्क लेना पड़ेगा तो वो रिस्क ले शायद, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नई चीज़ों को करने में झिझक नहीं होगी, जैसे आप जितनी आपको हो सकती है उतनी उनको नहीं होगी। यहाँ पर आइए देखते हैं और भी चीज इनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में और जानते हैं, उनका नेचर कैसा होगा। बॉसी, बॉसी होंगे, वही मैंने कहा ना, ईगो फाइट आप दोनों की होगी, पता है लियोस तो बॉसी होते ही, मतलब उनको अपना चलाना अच्छा लगता है, आपके पार्टनर कम बॉसी नहीं होंगे, ठीक है, लॉयल, लॉयल बहुत होंगे, आपके पार्टनर लॉयल रहेंगे आपके लिए, मैंने कहा ना मेड फॉर ईच अदर हो, मतलब आपको कंप्लीट वही करते हैं और उनको भी आप ही कंप्लीट करोगे, बट वही है कि मेलो ड्रामेटिक, ये तो मुझे आप लग रहे हो, लियोस कहते हैं बहुत ड्रामेटिक होते, तो आपके पार्टनर कम नहीं होंगे, उनको भी बहुत वो ड्रामेटिक होंगे, केयरिंग बहुत होंगे, आपके पार्टनर केयरिंग बहुत होंगे, हो सकता है वो आपसे ज्यादा ड्रामेटिक हो, ठीक है, सेंशुअल, ओके, देखो मतलब रोमांस की बात की जाए तो आपका रोमांस भी बहुत अच्छा रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है, आइडलिस्टिक, मतलब वो एक परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, या कह लो कि स्पिरिचुअल हो सकते हैं, यहाँ पे पेशेंस बहुत होगा उनके अंदर, पेशेंस बहुत होगा उनके अंदर, क्यूरियस बहुत होंगे, हर चीज़ को जानना उनको बहुत अच्छा लगता है, सब चीज़ जाननी उनको, स्पेशली आप क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बहुत 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 ही अच्छी पर्सनालिटी होगी, एक मिनट, अपने आप को लेके बहुत केयरलेस होंगे, जैसे कि उनके लाइफ में जो है, जो लविंग, मतलब जिनको बहुत प्यार करते हैं उनके लिए बहुत केयरिंग, अपने आप को लेके एकदम केयरलेस, अनटाइडी, अरे ठीक है ना, पहन लिया कपड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है, दोबारा पहन लिया, नहीं धुला, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कि थोड़ा सा हो सकता है, चलो एक दिन नहीं नहाया कोई बात नहीं, या फिर अगर नहाया तो टॉवल बेड पे ही फेंक दिया, जैसे इतना कोई वैसा नहीं है उनका, तो थोड़ा ऐसे हो सकते हैं, बाकी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे, आपका ध्यान रखेंगे यहाँ पर, चाहे वो अपना ध्यान रखे ना रखे, ऐसा भी है, ओके, रिलीज योर एक्स, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई एक्स है, ठीक है, तो उनको रिलीज करिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, इंगेजमेंट, इनसे आपकी इंगेजमेंट होगी, वो कह रहे हैं कि अपने एक्स वैक्स को भूल जाओ, क्योंकि मैं तो बहुत लॉयल तुम्हारे लिए, मुझे आप लॉयल चाहिए, रिट्रीट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने जैसे कि बोला है कि आप लोग के रिश्ते काफ़ी ऐसा रहेगा कि झगड़े होंगे, बट वापस से आप दोनों एक साथ हो जाओगे एंड यहाँ पे फिर से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे, दिस कुड बी द वन, ये वही एक है, ये वही पर्सन है, ये आपके सोलमेट, आपके रोमांटिक पार्टनर, ये वही है, ठीक है, तो जो लोग अभी अपने एक्स उक्स से डील कर रहे हैं तो वो एक्स उक्स को भूल जाए, उनको रिलीज करें, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, ठीक है, एक मिनट, इससे भी मैं एक लूंगी आपके लिए, ओह, मुझे यहाँ पे एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है, दिख रहा है कि गाइडेंस रहेगी आपके रिश्ते में, ठीक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट, अब यहाँ पे स्पिरिट भी तो आया था ना, डोर टू द स्पिरिट्स, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर का हाथ इसमें मतलब थोड़ा इन्वॉल्व है, ग्रेटफुल, आप एक दूसरे के लिए बहुत, मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिले हो तो मुझे लगता है आप लोग को थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन आप लोग पता है क्या, लड़ोगे एक दूसरे से उस चीज़ के लिए, हो सकता है थैंकफुल रहो लेकिन अब कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगी, चूंकि थॉट्स बहुत अलग है ना, आप लोग के सोचने का तरीका बहुत अलग होगा,
टेक्स्ट में ओके आप लोग की सबसे ज्यादा बात आप लोग चैटिंग बहुत करोगे, आप दोनों की चैटिंग बहुत होगी, आप लोग मतलब ऐसे फोन कॉल पे कम, मैं ऐसे चैटिंग से ज्यादा क्लेवर बहुत, मतलब यहाँ पे क्लेवर कहाँ से आके बैठा सके, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट चलिए अब हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर है ना क्लेवर, देखो आ गए तो मैं कहूँगी दिमाग बहुत चलाएंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि दिमाग, अरे नहीं ज़्यादा नहीं, मेरे पास ज़्यादा दिमाग है मेरे पार्टनर से, तो अभी गलत फहमी हो सकती है, आपके पार्टनर का बहुत दिमाग चलता है, ठीक है बहुत दिमाग रहेगा उसके पास, वो चलाएंगे भी अच्छे से एकदम। फेथ ओके, आप उन पर भरोसा कर सकते हो। ओ माय गॉड, मे भी आप में से काफ़ी लोग इनको जानते हैं ना, आपका ये मैंने कहा था पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, कार्मिक है, तो रिकन्सलेशन, आप लोग फिर से मिल रहे हो यहाँ पर, ठीक है लाइफ में फिर से आप लोग मिलने वाले हो, लवर्स हो आप दोनों, लवर्स हो मतलब मैंने कहा ना प्यार जो होगा ना वो भी तगड़ा होगा, और लड़ाइयाँ होंगी तो वो भी तगड़ी होंगी, ठीक है कह रहे हो जितना प्यार उतना नफरत। हिडन फीलिंग्स, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाएंगे, आपको क्लियर कट अपने अपने दिल की बात नहीं बताएंगे, या तो कहेंगे, कह सकते हैं जो बोलना होगा ना उसको ना बोल के वो दूसरी चीज़ें बोल रहे हैं, और या तो कह सकते हैं कि उसको ना उनका इंटेंशन अच्छा है लेकिन वो बोल ऐसा रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझसे मेरे पीछे क्यों पड़ा है, ये मुझसे लड़ाई क्यों कर रही है, ये लड़ाई क्यों कर रहा है, पर वो है उसके पीछे उनका केयरिंग साइड, ठीक है तो ये कुछ ऐसा रहेगा कि बहुत अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, हो सकता है कम बोलने वाले कम बात करने वाले हों, और लियोस की तो आदत है तो वो सब बोल देते हैं, ठीक है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस काफी होगा उनके अंदर। ओके इन्हें चैट करना बहुत पसंद है, इन्हें चैटिंग ज्यादा पसंद है, ये फोन पे बहुत नहीं लेकिन चैटिंग वगैरह पे अच्छे से बात करते हैं। राइट पाथ, बहुत जल्द मिल सकते हो एक दूसरे से, लास्ट काट लेंगे हम, देखते हैं क्या है ये वाला। इनर चाइल्ड ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ना वो बहुत ज़्यादा जैसे कह सकते हैं कि अपनी इस बचपन में उन्होंने जैसे बहुत ही मज़े ना किए हो, या अगर किए भी हो तो अब अपना बचपन उन्होंने खो, मतलब वो इनोसेंट एनर्जी उन्होंने कहीं खो दी, और मुझे लगता है कि लियोज आपसे मिलके वो अपने इनर चाइल्ड को फिर से जगाएंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं, सेल्फ लव, ये आपको सेल्फ लव करना सिखाएंगे, सेल्फ लव करना सिखाएंगे कि खुद से प्यार कैसे करता है, क्योंकि लियोस की आदत है वो दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये आपको इतना परेशान करेंगे कि आपको ये सीखना पड़ेगा, नहीं रहने दो मुझे इस पर्सन से प्यार नहीं करना, पहले मैं खुद से प्यार करूँ। डिस्कॉर्ड ओके, यहाँ पे मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है आपको कोई पसंद करता है या आप किसी को पसंद करते हो, तो यहाँ पे शायद आप सेरेंडिपिटी लकी हो सकते, यहाँ पे आप उनसे कट करोगे कुछ, सेरेंडिपिटी लकी आप रहोगे, आपके पर्सन थोड़े से पुराने ख्यालात के हो सकते हैं, ठीक है पुराने ख्यालात के मतलब कह सकते हैं देखो लॉयल रहेंगे, ऐसा नहीं कि चीट करें वैसा। इल्यूजन्स ओके, आप दोनों अपने रिश्ते में इल्यूजन्स बहुत क्रिएट करोगे, आपको ऐसा लगेगा ये ऐसा है ये वैसा है, ये ऐसा सोच रहा है वैसा सोच रहा है, लेकिन अपनी फीलिंग्स तो उन्होंने छुपा रखी है, सच बात तो वो बोलेंगे नहीं आपसे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन सोच क्या रहा है, ये पर्सन चाहता क्या है, तो आप अपने दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन बनाओगे, लग रहा है ये कहना चाहता है ये कह रहा है, ब्रोकन हार्ट, आपके पार्टनर का दिल बहुत टूटा होगा यहाँ पर। कर्मा कर्मा आप लोग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, मैं इतना कहूँगी आप अपने इंटेंशन उनके तरफ अच्छा रखो, लॉयल हो एक दूसरे के लिए ही रहोगे, एक दूसरे को चीट नहीं करोगे यहाँ पे, बस आप दोनों एक दूसरे के लिए इंटेंशन अच्छी रखना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा यहाँ पर, इंटेंशन अगर अच्छी रहेगी तो कर्मा वर्क्स ना, अगर आप कुछ बुरा सोच रहे हो तो कुछ बुरा, फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ट्रू लव आप उनका रहोगे, लेकिन फैमिली की जहाँ बात आएगी तो ओपन अप, वो आपसे जितना बात शेयर कर पाएंगे ना वो उतना और किसी से नहीं कर पाएंगे, चाहे अपने फैमिली से ही वो उतना नहीं बोल पाएंगे, वो ऐसी बातें नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर आप सोचो कि आपके लिए वो स्टैंड ले, ठीक
ठीक है, एक मैसेज है, अगर रोज़ आपको लगेगा कि वो आपके लिए स्टैंड ले, मुश्किल है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, लेकिन फैमिली उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो ये बहुत हद तक आपसे ये मैच करे कि वो शायद आपका स्टैंड ना ले किन्हीं चीज़ों। तो लेकिन आपसे जो बातें करे तो सबसे नहीं कर पाते, मतलब थोड़े से, मतलब वही है ना, आप दोनों को एक दूसरे को समझना है, वो एकदम अलग है। जैसे आप हो ना, आप अपनों के लिए खड़े हो जाते हो, लड़ जाते हैं, अपने अपने पार्टनर के लिए आप खड़े हो जाओगे। आप कभी भी उसको कुछ बुरा नहीं बोलो, मतलब उसके लिए स्टैंड लोगे, वो कभी नहीं लेगा। ठीक है, तो एक मतलब अपोजिट है यहाँ पे थोड़ा सा, पर इन चीज़ों को समझो, ये है। ठीक, तो ये थी आपकी रीडिंग। उससे पहले हम कुछ इनिशियल्स भी देख लेंगे यहाँ पर, आपके पार्टनर के इनिशियल्स भी देख लेंगे, और भी क्या है पता चलता है, नंबर्स देख लेंगे। आगे देखते हैं कि क्या आया है यहाँ पे। थर्सडे एंड संडे, ये कुछ स्पेशल डे उनके लाइफ में हो सकते हैं। ओ यहाँ पे MT, ओके, अक्टूबर मंथ इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई नंबर 20 इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 24, 22, 16, 24, ओके, जी, जेड, एक्स, जी अगेन है, एफ इनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं, वाई भी हो सकता है, 25, 14, यानी कि बर्थ डेट हो सकती है, एज 25, 24 हो सकती है, ये उनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं, MIGZXFGY जो भी है, ये उनके इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग व्यूज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।